मेरे कान में इन्फेक्शन है तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सुन सकूं थोड़ा जोर से बोलिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट क्या है और एज अज एन ए सी पेपर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पेपर्स ये समझना दोनों बहुत जरूरी है क्योंकि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एज अ सब्जेक्ट आपको पता नहीं होगा तो उसके कंटेंट्स को समझने में मुश्किल होगी और एज अ पेपर नहीं पता होगा तो पेपर देने में मुश्किल होगी पहले एज अ पेपर डिस्कस करते हैं कि इफ यू हैव बीन थ्रू अदर स्किल्स लेवल पेपर्स फॉर एग्जांपल पीएम है आपका टीएक्स uh, है एफआर है डबल ए है तो अगर आपने वो पेपर दिया है तो हाउ दिस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम दोस पेपर्स इन एवरी अटेम्प्ट मैं ये चीज अह uh, कहता हूं पर ये स्टूडेंट्स अक्सर एंड में जाके फिर ये बात रियलाइज करते हैं शुरू से उसको अपने जहन में नहीं रखते वेरी इजी टू पास इन फर्स्ट बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पास इन अटेम्प्ट अगर आप इसको तमीज से पढ़ें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना आसान खुदा ना खास बदतमीजी की तो फिर ये इतना बदतमीज हो जाता है कि फिर हर एटम में बदतमीजी आपके साथ करेगा तो ये सही चलने वाले के साथ पहले सही चलता है और जो सही नहीं चलता फिर उस, उसका बेड़ा कर देता है तो वो कहते हैं ना वो जन, 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 जन्नत भी है जानुम भी है यकीन नहीं आता तो मर के देख ले तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को यकीन नहीं आता तो एक दफा करके देख लो तो यकीन आ जाएगा उस यकीन क्या? फायदा नहीं होगा उसको नुकसान ही होगा तो ये वाकई ऐसे खतरनाक पेपर है किसी का एक दफा रुका दोबारा जब दिया तो क्या हुआ सो इट्स इजी टू पास दिस एग्जाम इन फर्स्ट ग्लोबल पासिंग रेशियो रिमेन्स इन अर्ली फिफ्टीज फिफ्टी परसेंट फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी टू परसेंट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी नाइन फोर्टी वन 52 इस रेंज में रहता है नाउ इफ इफ एवरी वन तो हाउ इज डिफिकल्ट अगर हर दो में से एक ने पास होना है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते तो मुश्किल क्या है इसमें सौ बच्चा अपेयर हो और फिफ्टी वन परसेंट बच्चे स्टूडेंट पास हो जाए इस पेपर में ऑन एवरेज पूरी दुनिया में तो फिर तो मुश्किल नहीं है ये और आप उस फिफ्टी वन में भी ना आओ तो फिर प्रॉब्लम पेपर में नहीं सो so, इसको इसके अंदर हाई स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत हाईली टेक्निकल पेपर है हाईली टेक्निकल पेपर है और मुश्किल नहीं है टेक्निकल है मुश्किल कब होगा कि जब एक टेक्निकल पेपर को बंदा लास्ट के लिए रखता है

तो फिर वो याद रह जाता है बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो, तो याद रह जाता तो एज यूजल इन एवरी फर्स्ट लेक्चर आई टेल स्टूडेंट्स डेली डेली का काम आई डोंट यू टू बी स्टिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एवरी डे आप क्लास के बाद सिर्फ दो घंटे दे दो हर रोज अब आई डों इट्स अग डिमांड for a professional qualification like ACC. So if you give two hours, quality two hours, hours, quality रहा तो नहीं हो, लाइक मोबाइल तो दो घंटे क्वालिटी के आप इस पेपर को रोजाना दें मुझसे अभी से अपना रिजल्ट लिखवा लें कि आप पेपर पास है ये दो घंटे भी लोग नहीं देते फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आसान लगे आखिर में कैसे लगेगा सो स्टडी ऑन डेली बेसिस आप कुछ चीजें हैं जो उसको make sure कर लें कि ये चले कोई नई बात नहीं है लाइटली सो आप क्लास में रेगुलर रहें आप टाइम पर आए आप असाइनमेंट्स करके टाइम पे कर लिया करें ये काम आप कर लें आपको भी आप पास है आई डोंट वॉन्ट यू टू डू समथिंग स्पेशल टू पास एग्जाम यू डोंट हैव टू तो ये इंशाल्लाह पास हो जाएगा इन uh, जून 2023

सेवेंटी एट परसेंट एटी सिक्स परसेंट में अपने आप को काउंट कराना मुश्किल काम नहीं तो ये जो जो दो ये जो, जो, जो आ, फेल हो जाते हैं ये होते कौन से स्टूडेंट्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ नंबर वन जो ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते नहीं एक्चुअली पढ़ते नहीं है कहते हैं ऑनलाइन है पढ़ते नहीं है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां से बैठकर मुझे नहीं पता चलता वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे फॉर एग्जाम्पल अभी भी हो सकता है कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हो सो ठीक है और चलो जो, जो लाइव आ गए वो तो फिर आ गए जो रिकॉर्डिंग देखते हैं वो पता नहीं देखते नहीं देखते so, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो अगर आपके पास क्लास में आकर पढ़ने का ऑप्शन है तो आप आओ क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं है कि समझ में आ जाए समझ में हो सकता है घर से बैठ के भी आ जाए लेकिन ये जो आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालना चाह रहे हो ये आपके लिए नुकसान दे ये आप जो अपने आप को काम से और एफर्ट से बचाना चाह रहे हो ये नुकसान दे ये जो सुबह सुबह आना घर से एफर्ट्स करके आना मुश्किल से गुजरना ये इंसान के अंदर रेजिलियंस पैदा करता है कि उसको एफर्ट्स से प्रॉब्लम होना मतलब तो एफर्ट्स करने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन डू दिस आप सोचो तो सही Very soon you are going to join an organization. We have to travel. We have to get up early in the morning. Have have field, field होगा बहुत सारी चीजें होंगी अपस एंड डाउन होंगे सो so, आप, आप कितने अर्से तक अपने आपको रोक सकते हो तो वाई आरथिंग इन द फ्यूचर तो इसलिए भी आना सही है सेकेंडलीटवर्क यही अगर आपके दोस्त या स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो आस पास है इन्हीं के साथ नेटवर्क के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कल को ये लोग जब आपको जानेंगे तो इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो बोलेंगे यार जॉब आई है करनी है सो इट हेल्प्स यू क्रिएट अ नेटवर्क व्हिच बिकम्स अ नेटवर्क कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और रिकॉर्डिंग के दौरान टीचर बहुत सारी बातें नहीं करेगा लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके साथ और शेयर कर लेगा जिससे आपको लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें का मौका मिलेगा या बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा अच्छा ये वाली चीज भी करनी है so, so so, तो ये कोशिश करें कि अगर आप कराची में हैं एंड यू हैव फेस क्लास इसको बिल्कुल अवॉइड ना करें मजबूरी है कराची से बाहर है पढ़ना है यहीं से रोज तो आप लाहौर से आ नहीं सकते ठीक है तो अब वो मजबूरी है अब वो क्या कुछ नहीं कर सकते तो यू आर लेकिन यह मजबूरी का मतलब यह है कि आप एक कॉस्ट बेयर कर रहे हो उसका कुछ और कर नहीं सकते बट बिला वजह की जो कॉस्ट है वो क्यों बेयर कर रहे हो आप सिर्फ ये कॉस्ट देख रहे हो कि मुझे आना पड़ेगा आप ये नहीं देख रहे हो कि नहीं आने के जो कॉस्ट हैं वो क्या है वो ज्यादा खतरनाक है ना आने के सो फेल होने वाले स्टूडेंट्स कौन है एक जो पढ़ नहीं रहे अगर ऑनलाइन है तो अगर फेस टू फेस आते हैं तो क्लास में अटेंटिव नहीं है मोबाइल यूज कर रहे हैं साथ वाले से बात कर रहे हैं जब जब एक इंपॉर्टेंट बात टीचर क्या कर रहा हो तो साथ में लगा हुआ है उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी, छोटी चीजें जो एफनाइन के अंदर बड़ी खतरनाक है छोटी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पूरे सेशन में मैं बताता रहता हूँ रियलाइज आखिर में होता है उस वक्त इतना टाइम होता नहीं कि वो सारी चीजें रिकॉल कर सके तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करना बहुत जरूरी है वो तो आपको रियलाइज होगा बाद में अभी मेरी अभी मेरी मान लो ताकि जब यकीन आ जाए तो नुकसान ना हो आपको पता हो हाँ सही कह रहे थे सर और मैंने अच्छा हुआ नोट करता गया पता चले नहीं नोट किया यकीन तो आना ही है आखिर में आखिर में ये बात एक्सेप्ट करोगे जैसे अभी आप जो जिन्होंने एग्जाम अभी दिया है उनसे पूछना पूरे सेशन में मुझे कहते रहे सर थ्योरी में प्रॉब्लम री थ्योरी में प्रॉब्लम होगी मैंने कहा नहीं होगी आखिर में प्रॉब्लम पेपर में नहीं होगी प्रॉब्लम कैलकुलेशन ठीक कर लो कैलकुलेशन पे ग्रिप ले आओ नहीं सर थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है सर, में प्रॉब्लम हो रही है गारंटी में, में थे वो आसान लगेगा आपको, आपको। प्रैक्टिस कर लो एमसी की, की वो टेक्निकल लगेंगे क्योंकि उसमें बड़ी स्पेसिफिक चीज पूछी होती है सीआरक्यू में पूरा प्रोसेस होता है तो आपको टेंशन नहीं होती आप थक करके पूरा छाप के आ जाते हो बट एमसीक्यू में छाप नहीं सकते हो यार एग्जैक्टली exactly वही चीज बतानी है जो पूछिए तो उसमें टेक्निकल ज्यादा होता है उसके ऊपर फोकस तो सब अभी इस वक्त आया तो कहते हैं सर सीआरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एमसी क्यू एमटी में भी नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत अगर हुई है तो उसी में, CRQ में भी सीआरक्यू में बिल्कुल नहीं हुई ये हम पूछ लेता ये पूछ देता बड़ा आसान था पूछ पूछते फिर कल थ्योरी में डर रहे थे क्या हुआ ये जब आप पढ़ रहे होते हो तो एक चीज कहते हैं फियर फैक्टर तो फियर फैक्टर होता है जिसको वहम कहते हैं, वो हकीकतन कुछ नहीं होता तो ये फियर फैक्टर जरूर होता है जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है यार ये वो जब तो मैंने एक चीज देखी है आप भी देखोगे कि जो मेहनत कर, करता है ना उसको डर लगे ना लगे उसका पेपर अच्छा होता है और जो नहीं करता वो डरे ना डरे उसका पेपर खराब होता है ये सिंपल सा रूल है तो डर को साइड पे कर दो आप ये चेक करो आपने मेहनत की है नहीं की बस आपके आपका जो डर है ना वो बेमानी चीज है एक्चुअल चीज आपका इनपुट है आपने पढ़ा है आपने मेहनत की है बस फिर रेस्ट शोर जो पढ़ा है वो पेपर वाले दिन निकलेगा जो अंदर गया ही नहीं वो बाहर आएगा कैसे और जो चला गया वो बाहर आके रहेगा जब आप पेपर कर रहे होगा तो पता तो आप आपको खुद लिखना आ जाएगा तीन घंटे जब आपको मिलेंगे जब वो प्रेशर आएगा एग्जाम का तीन घंटे अब करना है अब वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है और एग्जाम और नॉर्मल टाइम में फर्क क्या होता है नॉर्मल टाइम में हम कोशिश करते हैं सब कुछ बाहर आता है एग्जाम में वो जो सवाल आए वही बाहर आना होता है तो इसलिए प्रॉब्लम होती नहीं है तो अगर आप रेगुलर थे आप पंक्चुअल थे आप असाइनमेंट्स टाइम पे कर रहे थे और अगर क्विज था तो क्विज देते रहे मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार रहा हूं कभी पेपर पास फिर आपको डर लगे नहीं लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता बट इफ यू डोंट डू थिंग्स तो फिर नहीं होगा पेपर पास ठीक है तो मैं ड्यूरिंग द सेशन मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट हाईलाइट करता रहूंगा बताता रहूंगा देखो इसमें स्टूडेंट ये गलती करता है नोट करते है चले जाएंगे इसमें स्टूडेंट ये गलती करता है ये कॉमन मिस्टेक करता है ये नहीं करनी है ये नहीं करनी है यहाँ गलती हो जाती है यहाँ गलती हो जाती है वो बहुत सारी छोटी मिस्टेक्स में बताऊँगा एफ नाइन की खतरनाक चीज़ ये है कि इसमें बड़ी गलतियां लेके डूबती नहीं है इसमें छोटी गलतियां लेके डूबती हैं स्मॉल मिस्टेक्स आर मोर डेंजरस इन एफ नाइन बिकॉज देयर कंपाउंडिंग इफेक्ट इज टू बिग छोटी छोटी मिस्टेक्स इतनी जमा हो जाती हैं कि वो अल्टीमेटली बहुत बड़े मार्क्स आपसे लूज करवा देती है सो दैट्स व्हाट यू हैव टू मेक श्योर एंड ये छोटी छोटी मिस्टेक्स प्रैक्टिस से जरूर हो जाती है सो इवन यू की प्रैक्टिस गलती करते हो फिर तो आपको याद आ जाता है अच्छा ये नहीं करनी दोबारा जब क्वेश्चन करने बैठते हो वाली गलती आपको याद रहती है ये नहीं करती लास्ट टाइम की थी मैंने वो जुबानी याद नहीं रहती है मैं आपको जुबानी जितना भी बताता जाऊँ आप गलती करोगे क्योंकि अगर इंसान जुबानी समझता तो अल्लाह दुनिया में बेचता ही नहीं बेचने से पहले समझा जाता तुमने सही काम करना है तुम गलत तुम सही का ये करो जाओ जन्नत में जाओ पता था कि ये जुबानी से नहीं समझने वाले इनको प्रैक्टिकल से गुजारो ये गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे फिर गलतियां करेंगे इंसान करेंगे, के बचपन फिर जो नहीं बनना होगा वो प्रैक्टिस के बाद भी नहीं बनना होगा वो भी नहीं बनेगा तो एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिस करने से इंसान ज्यादा सीखता है जुबानी से नहीं सीखता मैं आपको कितना जुबानी बोलता ये गलती नहीं ये गलती करोगे पहली दफा करोगे अब वो पहली दफा आपने एग्जाम को बनाना है या यहां ये आपकी है आप यहां पर वो कर लो गलतियां प्रैक्टिस के दौरान तो फिर एग्जाम में ऑटोमेटिकली वो गलतियां आपसे नहीं सो सर डज़ दिस पेपर हैव एनी कनेक्शन विद एनी अदर पेपर ऑफ एसीसीए नॉट मच यस इट समहाउ कनेक्टेड विद इन सम एरियाज़ बट स्किल की पेपर्स के में से किसी के साथ इसका कनेक्शन नहीं है सर एफ टू के साथ क्या कनेक्टेड है एफ टू के साथ इन्वेंटरी मैनेजमेंट का इन्वेंटरी का एरिया मटेरियल का एरिया कनेक्टेड है री लेवल एवरेज स्टॉक सेफ्टी स्टॉक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एरिया कनेक्टेड है एफ uh, टू के साथ थोड़े तो बहुत रेशोज कनेक्टेड है करंट रेशो क्विक रेशो गेयरिंग रेशोज On employed, कुछ है या जितना एमए टू में था उतना नहीं है उससे बहुत कम लेवल का बहुत कम ना होने के बराबर वो है इन्वेस्टमेंट अप्रीजल है? है जो एफ टू में आपने पढ़ा है एमए टू में पढ़ा है वो कनेक्टेड है यहाँ पर बट क्या मैं अज्यूम करूंगा कि आप पढ़ के आया कभी भी नहीं ये मैं अज्यूम नहीं करता है। इतना गलत चीजें मैं अज्यूम करता ही नहीं हूं क्या पढ़ के आया जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा आप गए नहीं हो स्कूल ही नहीं गए तो मैं ये ऐसे इफनान पढ़ाऊंगा लेकिन मसला ये होता है कि आप आखिरी क्लास तक पहुंचने के बाद भी यही फील कराते हो कि आपने अब भी कुछ नहीं पढ़ा है ये ना करना आज से पहले मैं एज्यूम करूंगा कि आप पढ़ के नहीं आए हो लेकिन आज के बाद से फिर नहीं करना हम, मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट भी बेसिक से पढ़ाऊंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी मैं ये नहीं बोलूंगा ये तो आप उधर पढ़ चुके हो ये तो आप उधर पढ़ चुके हो कुछ भी है इनशाला एफलाइन में हरकत नहीं करूंगा कि आप ये तो उधर पढ़ चुके हो यह तो उधर पढ़ चुके हो राइट मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा फॉर्मला ड्राइव करूंगा बट मैं जो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ये कि आपने डेली पढ़ना है घर जाके डेली पढ़ना ड्राइविंग सीखने के कुछ स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स यहां भी अप्लाई होते हैं अब आपकी मर्जी उनको अप्लाई करो ना करो नंबर वन सिखाने वाला जुबानी बताता है नंबर टू सिखाने वाला खुद बैठ के चला के दिखाता है आप साइड पे बैठे होते हो नंबर थ्री वो अपनी ड्राइविंग सीट खाली करके आपके साथ साइड पे बैठ जाता है बोला अब तुम चलाओ और लास्ट उतर जाता है बोला अब चलाओ ये जो लास्ट स्टेप है ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जब तक अकेले नहीं चलाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और गाड़ी चलाने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए चाहिए होता होता है है पेपर सॉल्व करने के लिए भी कॉन्फिडेंस जो घबराया हुआ होता होता है है पेपर के अंदर उसको आता भी होता है, वो गाड़ी मार देगा वो पेपर में गलत करके आ आगे सो कॉन्फिडेंस इज द की राइट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं राइट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए टू पास द एग्जाम एक ए लेवल्स का पेपर था तो उसमें किसी स्टूडेंट ने के पास ऐसे आया कि राइट एन ऐसे ऑन वट इज कॉन्फिडेंस उसने लिखा कॉन्फिडेंस तो उसने पेपर के ऊपर लकीर खींची और नीचे लिखा ऐसे लकीर खींची नीचे लिखा दिस इज कॉन्फिडेंस गॉड ए ग्रेड लेकिन अब दोबारा कोई करेगा वो और कॉन्फिडेंस होगा आपको पता चल गया अब आपने इसी चीज भी कर दिया तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है ये है तो फर्क पता होना चाहिए कॉन्फिडेंस में और

ये बहुत जरूरी है बस ये चौथा वाली चीज लोग छोड़ देते हैं और फिर आखिर में बोलते सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कैसे आएगा जब आपने खुद अकेले कोई सवाल सॉल्व ही नहीं किया प्रैक्टिस के दौरान तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा डर तो लगा रहेगा बट ये जब घर पे आप अकेले होकर बगैर किसी के सिस्टेंस के कोई सवाल सॉल्व करते हो तो पूरा ना भी हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा एटी परसेंट तो हो गया ना मुझसे ही हुआ है बट किसी से पूछ पूछ के करोगे ना तो दस परसेंट भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको नहीं पता आपने कितना परसेंट किया इसमें सामने वाले की एफर्ट्स हटा दो तो आपके किधर खड़े हो नहीं पता चलेगा सो मेक श्योर दैट वन यू गो होम यू डू प्रैक्टिस एट होम घर से प्रैक्टिस के लिए मैं घर से प्रैक्टिस के लिए ज्यादा चीजें दूंगा आपको एंड वही की होगी हाँ मैं ये जरूर करूंगा कि जब आपको घर से काम दो अगली क्लास में आपसे पूछ कि कौन सा सवाल समझ में नहीं आया कौन सा सवाल ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम हुआ मेरी यूजली आदत ये कि मैं ब्रेक में क्लास से बाहर नहीं जाता आई स्टे इन द द्लास नॉर्मली एंड आई टेक क्वेश्चन जिनको प्रॉब्लम होती है ठीक सो दिस वॉज अबाउट द पेपर एज एन ए पेपर सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं आप सो फार जो डिस्कशन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे आ, लेकिन देखो जूम यूजर तुम्हारा नाम आ रहा है सर पढ़ रहे हैं और उठे हुए भी हैं अब तुम्हारा नाम क्या लिखा हुआ है क्या क्या रखा गया घर पे चेंज कर लो जूम यूजर तो नहीं होगा शोर जी कोई सवाल जहन में सवाल होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता शुरू शुरू में ठीक है खुलने में टाइम लगेगा अब एज अ सब्जेक्ट F9 financial management. What is this subject? Uh, पहले पेपर फॉर्मेट पेपर फॉर्मेट अगर आपने F5 दिया, है, तो है. F7 दिया तो वही फॉर्मेट है बट एफ सेवन एफ फाइव और एफ नाइन इनका फॉर्मेट सेम है एम सी क्यूज एम टी क्यूज एंड सी आर क्यूज थर्टी मार्क्स के एम सी क्यूज यानी पंद्रह टू मार्क्स

और एफ के अंदर एक फर्क एफ के पेपर के अंदर आ, जो एफ का एग्जामिनर है उसका घर पे तालुकात बहुत अच्छे हैं तो उसका मूड खराब नहीं होता और उसके पेपर में आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी वो एक ही लेवल रखता है एग्जाम का बट तो पीएम के अंदर वेरिएशन होती हैं मुश्किल पेपर आ गया आसान पेपर आ गया मुश्किल क्वेश्चन आ गया वो होता है सो एफ के अंदर नहीं होता क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एफ एम के अपनी बेगम के साथ ताल्लुक खराब हो गए एफ एम के एग्जामिनर के तो आपके कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि ये इतना खतरनाक पेपर है इतना डीप पेपर है फाइव डीप नहीं है बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ मालूम है इसकी डेप्थ मालूम नहीं है इसमें अगर वो आ गया टेक्निकल बहुत और उसने मुश्किल पेपर बनाने की ठान ली तो हार्डली कोई पास हो सकेगा क्योंकि वो बहुत बहुत डीप सब्जेक्ट है ये बहुत डीप सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें पूरी क्वालिफिकेशन है यार यारी एफ ए फाइनेंशियल बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है लिहाजा उसमें वो नॉर्मली बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जाता उसने एक लेवल तय किया हुआ है बस उसी लेवल पे ही वो एग्जाम बनाता रहता है सो इट्स इट्स अ गुड साइन फिर इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके सवालों के अंदर

अलग होते हैं ठीक है तो इसके सारे सवाल ऐसे होते हैं जैसे एक माँ बाप के सारे बच्चे एक मिलते जुलते हो तो ये सारे मिलते जुलते क्वेश्चन ही होते हैं सारे ना मिलते जुलते तो तो क्वेश्चन अगर आप चार पांच क्वेश्चन एक टॉपिक के कर लेते हो तो छठा सातों सेम लगने लगता है कि फिगर सॉरी चेंज होगी बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी कर चुके हैं सो ये दिस इज अगेन अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस पेपर सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज is the art and science of managing money to achieve desired goals it's all about managing money of the business our business ke finance co-manage career so that you achieve your desired objectives it has nothing to do with improving in the product quality it is it has nothing to do with improving the customer complaints Just say five so yes of performance management performance is co-manage finance ko manage karta.

And use of the finance. Acquisition and use. Acquisition and use of the finance. Finance I Yeah, it's all about this. Acquisition of financial resources and usage of the financial resources. This is what financial management is. What is the objective of financial management? The financial objective is ultimate objective.

इसको आप जितनी मैक्सिमाइज कर सकते हो मैक्सिमाइज कर जाओ क्योंकि ये जितनी मैक्सिमम हो जाएगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमम होगी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेज द फाइनेंस इन सच अ वे सो दैट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स इज मैक्सिमाइज ये है Ultimate objective. So, whatever we will be studying throughout this syllabus, whichever topic we will be discussing, whatever area of the syllabus we will be discussing, our aim will be to maximize the wealth of the shareholders. We will maximize it. And now, in all areas, mein, we will be talking about acquisition of resources and utilization of resources. Pesa lekarana or pesa lagana? Pesa or pesa lagana? ताकि हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके सो हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सीमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ इट डज इट विथ थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एंड डिविडेंट ये तीन डिसीजन जिनकी जिनके थ्रू शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाता है इनके थ्रू शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या किया जाता है मैक्सिमाइज किया जाता है एग्जाम्पल से आपकी एक शॉप है आपकी एक शॉप है और उस शॉप में सबसे पहले क्या करना होगा आपको आपको यह फैसला करना होगा कि रेफ्रिजरेटर कौन सा वाला खरीदना उसमें कितने पैसे लगाने आपको फैसला करना होगा कि दुकान किराए पे लेनी है खरीदनी है आपको फैसला करना होगा कि प्रोडक्ट्स कौन सी रखनी है ये सारे क्या है कौन से डिसीजन है इन्वेस्टिंग डिसीजन सो द बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजन द बेटर विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी वंस यू हैव हैव यू द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट देन इट कम्स कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए ये कैसे आएगा ये पैसा कैसे आएगा मैंने फैसला कर लिया रेफ्रिजरेटर चाहिए दुकान खरीदनी है प्रोडक्ट्स ये रखने हैं इन सब का पैसा कितना है इतना है ये इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया अब ये पैसा आएगा कैसे यार मैं कहातना तो मिला सकता हूं अच्छा जो नहीं मिला सकते वो से लेकर आना है है ना सो so ये ये फाइनेंसिंग डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन इज हाउ टू तो एक्वायर फाइनेंस और फाइनेंस नीडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट अब ये वाले डिसीजन भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे लोन लेना है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट आपके रिड्यूस प्रॉफिट को रिड्यूस करता है करेंगे पूरे पेपर में यही फाइनेंसिंग होगी साल शुरू हो गया साल खत्म हो गया प्रॉफिट कमाया क्या कमाया प्रॉफिट अब प्रॉफिट में से कितना घर लेके जाना है कितना री इन्वेस्ट करना है डिविडेंड डिसीजन यही है ना कि अपने घर कितने लेके जाना है और कितना रखना है बिजनेस में रिटेन कितना करना है सो डिविडेंड डिविडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सारा पैसा ले जाओगे तो ग्रो नहीं करोगे ग्रो नहीं कर सकोगे ना और इन्वेस्ट नहीं किया वहीं कहीं रहोगे अगर के तो वो तौर मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी साल के शुरू में और साल के एंड पर 1.1 मिलियन हो गया और वो जो 1 .1 वो जो ऊपर एक्स्ट्रा 1.1 मिलियन है लेके चले गए तो कहां खड़े रहोगे तो उसी 1 मिलियन पे लेकिन आपने कहा नहीं जो एक्स्ट्रा पॉइंट वन मिलियन है इसमें से आधा ले लेता हूं घर और आधा ठीक है आपकी वर्थ वन मिलियन से थोड़ी बढ़ गई बढ़ गई थोड़ी सी ग्रो कर गया अब, अब अगले साल उस पर भी कमा रहे हो गए डिविडेंट so ये तीन डिसीजन हैं जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है इन्वेस्टिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंट डिस

कोई सवाल नहीं कोई भी नहीं सो सो so, so ये अब आपके सिलेबस के एरियाज क्या ये आपको आप लोगों को नजर नहीं आ रहा जो यहां बैठे हैं इट्स अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एक सेक्शन ऑफ द सिलेबस है किस तरह की जाती है मतलब उसके उसके डिपार्टमेंट क्या करता है उसके रोल क्या होते हैं कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है बेसिकली जो भी अफलाइन हम पूरा पढ़ेंगे उसकी में. तो जो भी हम अफलाइन पढ़ रहे होंगे उसकी में है ये वाला एरिया सिर्फ एमसीक्यूज में वो पूछता है बट पूछता नहीं है एमसीक्यू में पूछता है सीआरू में नहीं पूछताली बोला सेम नो सी नो क्वेश्चन इन दी आर क्यू पार्ट एमसी मैनेजमेंट इनवाइट देखिए इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं ठीक अगर बाहर गर्मी हो जाए बहुत ज्यादा तो क्या उसका इंपैक्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पड़ेगा इस एसी की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा और एसी की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा तो आप पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा अभी एसी बंद हो जाए देखते हैं कितने लोग बैठते हो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी समझ में आना बंद हो जाएगा इन्वायरमेंट का इंपैक्ट सो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी कंपनी की करते हो तो वो आइसोलेशन में नहीं होती है वो जो बाहर इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इकोनॉमिकट दैट अफेक्ट्स योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी पेट्रोल महंगा हो गया सो दैट्स द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर सो किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आएगी नहीं आएगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी उसके स्टाफ की कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रेवलिंग सैलरीज डिमांड करेंगे और उसके लिए पैसा चाहिए होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्ट करेगी माइक्रो एंड मैक्रो इकोमेंट इट ऑल्सो फाइनेंशियल किस तरीके से वो फैक्टर्स वर्क करते हैं इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है इंटरेस्ट रेट्स का क्या रोल होता है मॉनिटरिंग फिजिकल पॉलिसीज का क्या रोल होता है टैक्सेशन का क्या रोल है एंड हाउ डज दिस अफेक्ट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इस चैप्टर के अंदर सारी वो कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग है देन कम्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल

इन्वेस्टमेंट ज्यादा है अपॉर्चुनिटीज पैसा कम है कौन सा वाला पिक करें कौन सा छोड़ दें यह है एसेट को रिप्लेस करना है जैसे तवानी अंदर ये तीन एसी लगे हुए हैं इसी तरह हर कमरे में एसी लगे हुए हैं ये एसी रेगुलर यूज के वो हैं ये फैसला तो शायद कभी ना किया जाए कि एसी सी लगाए या ना लगाए ये फैसला जरूर किया जा रहा होगा कितने कितने अरसे के बाद ये ए सी रिप्लेस किया जाए so, है। जिसमें हमें फैसला करना होता है कि कोई रेगुलरली यूज एसेट so there are different types of investment decisions we will be studying in this area a very interesting uh, section of the syllabus and a very important one having the highest weightage of the risk management how to manage risk basically whenever you are doing a business there will be a risk and how do we manage the risk

अब ये इस इन्वायरमेंट में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंपनीज इन्वॉल्व होंगी उसको कितना रिस्क होगा हाउ डू मैनेज दिस रिस्क एक्सचेंज रेट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है तो ये दो रिस्क हैं जो हम पढ़ेंगे कि, कि किस किस्म के रिस्क होते हैं किस वजह से अराइज होते हैं और फिर उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है ये एक पूरा सेक्शन है अच्छा ये भी साथ साथ बताता जाऊं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तीनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एमसी क्यू एमटी क्यू तीनों टाइप के आ सकते इस पे। रिस्क में सिर्फ पहले दो टाइप सीआर तो सिर्फ सीआरक्यू की ही बात होगी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसके लिए उन्होंने कुछ के लिए तो वही बता रहा हूं तो आप भी लिखे नो सीआर आपके लिए आसान हो जाएगा एमसीक्यू तो में से आ सकते किसी में से भी आ सकते सीआर किसमें से आ सकता है किसमें से नहीं आ सकता अब तक तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्रैजल जो डिस्कस हुए उसमें से आता है सीआरक्यू रिस्क मैनेजमेंट में से नहीं आता बाकी दोनों में से भी नहीं आता कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस स्पेशली सीआरक्यू आता है एमसीक्यू आता है एमटीक्यू आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके सवाल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक बिजनेस के पास फाइनेंस हासिल करने के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं लोन शेयर्स लोन में डिपेंचर बैंक लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स अकाउंट ये सारे डेट्स हैं सो so, किस सोर्स को कब चूज करना चाहिए ये फैसला सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल की कॉस्ट यानी जो भी पैसा मेरे पास आता है बिजनेस में वो कैपिटल है बट वो जो भी देता है वो फ्री में नहीं देता हर बंदा जो मेरे मुझे पैसा देगा चाहे वो मेरे शेयर होल्डर्स हो चाहे जिन्होंने उधार दिया हो वो उसके अगेंस्ट एक रिटर्न चाहते हैं चाहते है कि भाई उनको इसके पैसे मिले वो जो उनको उसके पैसे मिलते हैं बेसिकली जो मेरे पास इन्वेस्ट करता है उसके लिए जो रिटर्न है वो मेरे लिए कॉस्ट ठीक है तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक क्या है यह भी सीआरक्यू नहीं आता इसमें से इसमें से सीआरक्यू नहीं आता व्हाट इज बिजनेस वैल्यूएशन? बिजनेस वैल्यूएशन इज एन एरिया वेयर वी विल बी लर्निंग हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस किसी भी बिजनेस की वैल्युएशन कैसे की जाती है कैसे करें एक बिजनेस है आपको बेचना है कितने में बेचोगे ये एक बिजनेस है आपको खरीदना है कितने में खरीदोगे एक बिजनेस को तो बिजनेस को मर्ज करना है कितने में किस क्या वैल्यू लगनी चाहिए ये बिजनेस वैल्यू एक बिजनेस ने स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना है किस वैल्यू पर इसके शेयर मार्केट में लॉन्च होना चाहिए बिजनेस वैल्यूशन लोन हासिल करना चाहते हो बैंक ने कहा कि भाई ऐसे कैसे देना पहले अपनी औकात बताओ तो अपनी कंपनी की औकात मालूम करना बिजनेस सही तो किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकालने को कहते हैं बिजनेस सोल्यूशन कैसे निकालेंगे किन तरीकों से निकलती है इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है ये भी पढ़ेंगे एंड लास्ट इज वर्किंग कैपिटल रेड का मतलब खतरनाक नहीं है ठीक है ऐसी मुझे कोई और कलर नहीं मिल रहा था मैंने तो मैंने रेड कलर बना लिया तो वर्किंग कैपिटल जो है ये फिर एक और एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैसे किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते है? कितना होना चाहिए वर्किंग कैपिटल है क्या ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस में दो तरह के कैपिटल चाहिए होते हैं एक वो पैसा चाहिए जो इस, इसी को खरीदने के लिए चाहिए बट दफा इसी खरीद लिया अब ये कई साल तक दोबारा इस वाले एसी के लिए दोबारा पैसे नहीं चाहिए एक दफा खरीद लिया अब ये पैसा मेरा स्टार्टअप हो गया अब ये वाला पैसा मेरा नहीं निकल सकता है ना देखो ये ये एसी जो है आप में से कोई भी फ्रंट डेस्क पे आके ये नहीं पूछा होगा एडमिशन ले। लेकिन एसी कहीं ना कहीं दिमाग में है फैक्टर है नहीं होते ना और गर्मी में बैठे तो आपके दोस्त बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं। सी नहीं है वहां यार बड़ी गर्मी होती है तो फिर ये फैक्टर बन जाता है आपके लिए तो इसका मतलब सेल्स के अंदर इसका इंपैक्ट है तो ये सेल्स जनरेट करके देता है और पैसे रिकवर करके देता है थ्रू सेल्स एवरी ईयर सेल्स लेकिन एक साल की सेल्स में से नहीं जनरेट करके देगा पांच साल छह साल जितनी इसकी लाइफ है उस उसके हिसाब से वो जनरेट करके देगा तो इसका मतलब इसमें जो पैसा जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाता लॉन्ग टर्म के लिए जाता है लेकिन अगर मैं खरीदता और बेचता हूँ लेट्स से टेबल खरीदता और बेचता हूं तो टेबल मेरी इन्वेंट्री होगी तो टेबल के अंदर मेरा पैसा जाएगा वो अगली सेल में कवर वापस कैश आ जाएगा फिर वो कैश आने के बाद दोबारा फिर से जाना है ये जो पैसा मेरा इन्वेंट्री में जाता है पहली दफा जाहिर उसके बाद तो रोल होता है तो पहली दफा अगर मैंने पांच लाख की कुर्सियां या टेबल्स खरीदी तो ये पांच लाख की कुर्सियां जो मैंने इन्वेंट्री के लिए इन्वेस्ट किया है लाख जो मैंने इन्वेस्ट किया है ये मेरा क्या है? ये शॉर्ट टर्म ये वर्किंग कैपिटल तो नहीं रहेगा तो बिजनेस में बट ये क्या करेगा कुर्सियां सेल वापस कुर्सियां कुर्सियां सेल वापस कुर्सियां तो ये कुर्सियों की शक्ल में जाएगा फिर बिकेंगी फिर वापस कैश आ जाएगा फिर फिर लगाऊंगा फिर फिर तो यह सर साइकिल में चलता रहेगा बट मैंने तो इसको भी इन्वेस्ट कर दिया लेकिन यह शेप चेंज करता रहेगा ये वापस कैश में कन्वर्ट होगा फिर वापस चला जाएगा फिर वापस कैश में कन्वर्ट होगा इसी तरह रिसीवेबल है इसी तरह कैश है इसी तरह अदर करंट एसेट्स है तो गर्ज ये वट एवर आई इन्वेस्ट इन माई करंट एसेट्स एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल सो करंट का सम क्या है वर्किंग कैपिटल है लेकिन सर हमने तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था क्या करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज नहीं वो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है नेटवर्किंग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं है वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट इन योर करंट एवर करें और उसमें से एक लाख की इन्वेंट्री उधार पे मिली हुई है बल, तो अब मुझे पांच लाख नहीं अपनी जेब से लगाने अब मुझे कितने लगाने कितने लगाने चार लाख अपनी जेब से क्योंकि पांच लाख टोटल उसमें से एक लाख की इन्वेंट्री तो क्या मिल जाएगी उधार पे तो अब मुझे कितने लगाने चार लाख तो ये कहलाता है नेटवर्किंग कैपिटल तो चूंकि आप उस वक्त छोटे ना जैसे में, मा, मा, मामू हो, चाचा, उ, अंकल ही होते हैं बड़े होते तो पता चलता ये मामू था तो ये चाचा तो इसलिए उस वक्त नहीं बताया अभी बता रहे हैं कि नेटवर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेज वर्किंग कैपिटल इज वट एवर गोज इन टू योर करंट कैपिटल तो इस चैप्टर के अंदर हमें यह देखना होगा कितनी इन्वेंट्री रखनी है बिजनेस में कितना रिसीवेबल रखना है कितना कैश के तौर पे रखना है और ये पैसा जो रखना है ये आएगा कहां से कहां से फाइनेंस करेंगे इसको कितना शॉर्ट टर्म से करेंगे कितना लॉन्ग टर्म से करेंगे सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर दिस इज द दीज आर द एरियाज दैट वी हैव टू लर्न How much to invest in working capital and from where to bring this capital in. capital So, this is the whole syllabus. This syllabus F9: so FM function, FM environment, investment appraisal, risk management, cost of capital, source of finance, business valuation, and then working capital. वेटेज। ये किसी को सूझ रही है वेटेज इन स्लेबस। आ, स्लेबस का वेटेज क्या है है का क्या के अंदर आ, सच नहीं कि कितना कितना में किस इसमें से आएंगे बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, पे आपको बताता हूँ जो जो सीआरक्यू में आते हैं तीन एरियाज है ना सीआरक्यू में लास्ट वाला नहीं बताया मैंने वर्किंग कैपिटल भी सीआरक्यू में आता है देर आर थ्री एरियाज में वो पूछता है इन्वेस्टमेंट ऑफ्रिजम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है ठीक सो so, ये तीन एरियाज़ जो है वो सीआर क्यू में पूछता है इन्हीं की सबसे ज्यादा वेटेज है एग्जाम में सबसे ज्यादा इनमें से इसकी वेटेज है यानी अगर मैं अपने अंदाजे से ऑन एवरेज बताऊं So I think 70% of your marks in your exam will be related to these three areas. And 30% will be the rest. 30% will be from the rest. In usual circumstances, but exceptional cases. So usually 60 to 70% of your, your exam consists of these three areas. 30% further from the rest. क्योंकि दो सी वो आ तो वो हो फिर में भी पूछेगा तो दस मार्क्स पंद्रह पच्चीस या एमसीक्यू में भी पूछी है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक एमटी क्यू भी आ गया में से, में से, तो चालीस और दस पचास तो ये हो गए कुछ एमसीक्यूज में आ जाएंगे तो सिक्सटी तक तो, तो चला ही जाएगा नॉर्मली भी कभी कभार 65, 70 तो कभी कभार्टी तक भी चला जाएगी सो सिक्सटी मार्क्स तकरीबन फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स तो कहीं नहीं गए इस एरिया में से ठीक है बाकी सारा एरिया अच्छा सर हम कहां से स्टार्ट करेंगे हमारी सीक्वेंस क्या होगी वो भी हम बता देते फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला सेक्शन है इसमें दो एरियाज हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस है so, so कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम एक एरिया पहले करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला फिर ऑफ फाइनेंस वाला बाद में करेंगे तो हमारा वो क्या होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ्रीजल नेक्स्ट क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल थर्ड क्या होगा बिजनेस वैल्यूएशन थर्ड क्या होगा बिजनेस वैल्यूएशन चौथा क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट चौथा होगा रिस्क मैनेजमेंट पांचवा होगा वर्किंग कैपिटल छठा होगा स ठीक अच्छा ये जो दो एरियाज ऊपर वाले हैं इनकी सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होगा क्योंकि इन ये दोनों एरियाज में सिर्फ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है वो तो पूरा एफ की समरी है तो जब आप एफ पूरा पढ़ लोगे और इस चैप्टर में जाके गो थ्रू करोगे आप लोग ये, तो ये तो पढ़ चुके ये तो पढ़ चुके ये तो पढ़ चुके तो आप गो थ्रू करोगे एक दफा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसल्फ स्टडी एरिया कैसे मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पढ़ा, पढ़ाने वाली है ये बेसिकली सेल्फ रीडिंग वाला है जैसे इंटरेस्ट रेट होता क्या है इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या होता है कैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करती है फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा जा, है तो वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते ताकि लोगों का जो लग देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग कौन करता है शॉर्ट टर्म बोर कौन होते हैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरो कौन होते हैं तो सोचा ही नहीं कभी इस बारे में शॉर्ट टर्म बोरिंग नॉर्मली वो लोग होते हैं जो जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ये शॉर्ट टर्म बोरोवर्स हैं ये कंज्यूमर्स होते हैं कंपनी थोड़ी ना क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो लोन लेती है तो शॉर्ट टर्म बोरोवर्स जो होते हैं ना ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये बेसिकली इन मुल्क में इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड इसकी वजह से बढ़ती है और उसकी वजह से महंगाई आती है एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो महंगाई आती है तो इसको डिस्करेज करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं आज बैंक क्रेडिट कार्ड क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कम कर देंगे ऑटोमेटिकली ठीक है तो शॉपिंग वगैरह के लिए उसका इस्तेमाल कम कर देंगे

फॉर डिफरेंट पर हाउ दीज पॉलिसीज अफेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है तो ये आपने सिर्फ ये सेल्फ रीडिंग है इसके प्रैक्टिस सेशन होगा जिसके अंदर इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे बट है ये सेल्फ रीडिंग तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कोई टॉपिक इस तरह नहीं है जो पढ़ाया जाए सो इन्वेस्टमेंट अप्रोजल से स्टार्ट लेंगे हम इन शाम इन्वेस्टमेंट अप्रोजल से स्टार्ट लेंगे उसकी बेसिक से स्टार्ट लूंगा बहुत बेसिक लेवल से मैं करवाऊंगा स्टार्ट अज्यूमिंग दिस टॉपिक बिफोर वहाँ से स्टार्ट लेंगे लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पीछे की चीजें फायला होती जाएंगी तो मेक श्योर sure आपने करना है कि डेली का डेली पढ़ना शुरू में बड़ा आसान लगेगा आखिर तक आसान उस बंदे को लगेगा जो साथ साथ पढ़ रहा हूं पहली क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा गारंटीड आपको आसान लगेगा दूसरी क्लास वाला मुश्किल से सस्ते हो जाता है क्योंकि आपने पहली क्लास वाला पढ़ते नहीं हो घर पे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है अब जाहिर है मैं हर क्लास में पिछली क्लास का दोबारा तो नहीं पढ़ा सकता और प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है एक एक और और चीज चीज होती होती है पढ़ना होती है पढ़ना तो आपको अगर घर पे आप पढ़ के आया करोगे रिवाइज करके आया करोगे अगली क्लास के अंदर आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा आपको हर क्लास आसान लगेगी बट जैसे ही पिछली क्लास का कनेक्शन आपका टूटेगा आपको अगली क्लास मुश्किल लगेगी एफ नाइन की खतरनाक चीज ही इसमें कंटिन्यूटी है, कि इस है की विच इज नॉट द केस इन एफ फाइव यू मिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग राइट

और ये यहां तक नहीं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद, capital, के बाद इन तीनों सेक्शन के अंदर नहीं करा था था में क्योंकि, क्योंकि क्लास में सोती थी तो सब कुछ हो जाता था रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ठीक है अगर क्लास किसी की, आज की मिस भी हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट के आ जाए तो रिकॉर्डिंग देखकर आ जाएगा तो अगली क्लास के साथ कनेक्टेड रहेगा जुड़ा रहेगा ठीक है तो आज हमारी क्लास है सैटरडे को फिर इसके मतलब नेक्स्ट क्लास मेरे कब है मंडे वेडनेसडे सैटरडेज है ना तो तो टाइम होगा जिसकी भी क्लास आज मिस होती है तो वो आज भी देख सकता है लेक्चर कल भी देख सकता है लेक्चर और मंडे को भी हमारी क्लास मेरे ख्याल से दो या तीन बजे शायद सेकेंड हाफ में तो कितनी पता है कुछ दो बजे शायद या बजे सो टाइम होगा देखने के लिए

बुक नहीं पढ़ना चाहते हो ना पढ़ो स्टडी हब जरूर देखना है ठीक है तो स्टडी हब से आप स्टार्ट कर लो पढ़ना मेरी क्लासेज अलॉन्ग द एग्जाम मेरे नोट्स होंगे स्टडी हब हो, होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे मोर तो देन भी आप पढ़ना चाहते हैं आपको आदत है पढ़ने की टेक्स्ट बुक से कैप्लान से या बीबीपी से तो मैं मना नहीं कर रहा सब कुछ है Quizzes भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है सबका फॉर्मेट सेम रखा हुआ स्टडी आपने तो वो भी है तो उससे भी आपको उतर ठीक है और ऑब्वियसली मेरी अपनी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, है. कि अगर ACCA ने कोई रिसोर्स क्रिएट की है तो उसको रेलिवेंट बनाने के लिए उसका इम्पैक्ट एग्जाम में लाज डालेंगे मतलब लोग पढ़ना छोड़ देंगे ना तो एसी से क्यों चाहेगा एक चीज पे एसीसीए ने मेहनत की है और एग्जाम में बैठने के बाद आपको लगा यार तो भी नहीं पता फर्क हुआ

उसको बड़े इंटरेक्टिव रिसोर्स है उसके अंदर आप हाईलाइट करके नोट्स क्रिएट करके अपना लिख सकते हो पढ़ते वक्त और इट इज एक्सेबल फ्रॉम एनी वेज भी हैं क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे बनाए हैं उसके अंदर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं ट्रिकी क्वेश्चन है स्मार्ट क्वेश्चन तो स्टडी मैप ठीक है तो ये मेरा मेरी सजेशन तो यही है बाकी आप कैप्लान या बी बी में से अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़ा मैं रीडिंग से कभी भी मना नहीं करता क्योंकि रीडिंग से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेहतर होती है और एग्जाम में पहले सवाल रीड ही किया जाता है समझा जाता है फिर अटैम्प्ट किया जाता है तो जितना ज्यादा इंसान रीड करता है उतना ज़्यादा उसकी कॉम्प्रहेंशन बेहतर होती है और कॉम्प्रहेंशन बेहतर होती है तो सवाल कहते हैं ना प्रॉब्लम अंडरस्टूड इज हाफ सॉल्व तो पढ़ने के बाद मसला समझ में आ गया तो आधा तो यही सॉल्व हो गया मसला ही समझ में नहीं आया तो फिर गया रीडिंग रीडिंगशन इंप्रूव होती है लेकिन अक्सर बच्चों उस चक्कर में पते ही नहीं। ठीक है तो इसलिए जितना पढ़ सकता है इंसान अपने पर इतना बोर्ड डाले ठीक है तो स्टडी हब हाँ इन्होंने मैंने देखा है बड़ा बट क्लास के साथ पढ़ने के लिए जबरदस्त क्योंकि क्लास के अंदर आपको टीचर ने बहुत सारी चीजें बता दी स्टडी हब ने दिखा दिया ठीक है टेक्स्ट बुक स्टडी के लिए ज्यादा अच्छी होती है कि जब बंदा क्लासेस ना ले रहा हो तो उसमें एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है तो समझ सकता है या इफ यू आर टेकिंग क्लासेस स्टडी हब इज इट्स सेव योर टाइम इट विल सेव योर टाइम 2022 और 2023 की कैप्लान की बुक अगर 2023 में रेलेवेंट नहीं है तो फिर वो 2023 की कैसे सोचने वाली बात है बिल्कुल वैलिड है एफ नाइन के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है तो एफ नाइन के सिलेबस के लिए तो 2019 वाली टेक्स्ट बुक भी है 2018 वाली भी दो है 2017 वाली भी रेलिवेंट है 16 तो वाली भी रेलवे है 15 वाली भी रेलवेंट है ये सारी रेलवेंट है क्योंकि F9 का सिलेबस वो दो हजार सात से चेंज नहीं हुआ है सिर्फ एक जगह चेंज आया है बीच में वो है इस्लामिक फाइनेंस उन्होंने ऐड किया इसके अलावा दो से वही सिलेबस चला आ रहा है इसलिए भी एक प्लस पॉइंट पता है क्या एफ नाइन में जितना कुछ है पास पेपर में पूछ लिया गया तो जो बंदा सारे पास पेपर्स कर लेगा

कुछ नया मिलेगा ही नहीं एग्जाम में कुछ भी नया नहीं मिलेगा एग्जाम में ठीक है तो ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम इनशाला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट कर रहे हैं और प्लीज ब्रेक में आपको दे रहा हूं बीस मिनट की ठीक है बहुत ज्यादा दे रहा हूं मजे करें बीस मिनट के बाद वापस आइएगा शार्प क्योंकि अगर पहले पांच मिनट आपने मिस कर दिए तो समझो एफ नाइन मिस हो गई ट्रेन मिस हो गई सो डोंट मिस इट ठीक है ट्वेंटी मिनट्स के बाद आइएगा classmate so let's start with the very basic concept of simple interest simple interest देखे please let's say अच्छा एक मिनट मैं आपको साथ ये file share करूँ पहले आपने एक website खोलनी है एयर फॉर शेयर डॉट कॉम ये ये वेबसाइट खोलनी है अच्छा ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ मैं ऑलरेडी चैट के अंदर लिंक शेयर कर चुका हूँ वहीं से डाउनलोड कर लें जो फेस टू तो फेस बैठे हुए हैं मैं उनसे बुखाते हूँ एयर फॉर शेयर जी 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 मैं कर रहा हूं एयर फॉर शेयर डॉट कॉम वाली वेबसाइट खोलें और खोलने के बाद इस पे क्लिक कीजिएगा ये साइट पे ये जो बना हुआ है इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल दिख रही होगी आप कोई और कंप्यूटर चेंज कर लें चेंज ये आगे आगे हैं आगे वाले देखें वेबसाइट खोली आप लोगों ने ये वाली फाइल दिख रही है रिफ्रेश करें अभी भी नहीं दिख रही दिख गई वो खुलेगा नहीं वहां यहां हो गया है न एयर फॉर डॉट कॉम खोले इस पर क्लिक करें तो आपको ये फाइल दिखेगी रिफ्रेश करें रिफ्रेश करें फाइल्स आप देखें रिफ्रेश, आप देखें। रिफ्रेश करके किसी के पास भी नहीं आ रही मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ फिर आप मेरे अपलोड करने के बाद रिफ्रेश कीजिएगा आप करें रिफ्रेश कर लें डाउनलोड चले स्टार्ट करते हैं नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इधर देखिए जरा प्लीज अगर अगर आज यानी ईयर जीरो पे हम एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं से फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड डॉलर्स और हमें कहा जाता है कि वी विल बी गेटिंग टेन परसेंट एवरी ईयर बट वो टेन परसेंट इज सिंपल इंटरेस्ट लेट से तो वट डज दिस मीन ईयर वन ईयर वन हमें एक साल के बाद इसका दस परसेंट मिलेगा एक्स्ट्रा तो टेन थाउजेंड इन टू वन थाउजेंड वन थाउजेंड हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट ठीक है और हमारी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी यानी सम आफ्टर वन ईयर आफ्टर वन ईयर कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड प्लस प्लस वन थाउजेंड कितना इलेवन थाउजेंड अच्छा उसके बाद ईयर टू Two, जो इंटरेस्ट हमारा मिलेगा टेन परसेंट दोबारा मिलेगा बट किस चीज का टेन परसेंट मिलेगा नहीं सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है सिर्फ उसी के ऊपर रिटर्न मिलता है सो टेन थाउजेंड इन्वेस्टेड थी उसका टेन परसेंट अगले साल भी वही मिलेगा वन थाउजेंड और जो आपका सम होगा ईयर टू के एंड पर इट विल बी इलेवन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड इसी को कहते सिंपल इंटरेस्ट तो ये हर साल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी का टेन परसेंट आपको मिलता रहेगा सो इन इयर्स आफ्टर द एंड ऑफ दर टू योर टोटल सम विल बी ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है ये आपका टोटल सम होगा अच्छा अब अगर मैं सम को अगर मैं सम को एस से डिनोट करूं प्रिंसिपल को जो इन्वेस्टमेंट की है पी से डिनोट करूं इंटरेस्ट जो आपको हर साल मिल रहा है उसको आई से डिनोट करू और रेट को मैं आर से डिनोट करू और मुझे लेट्स से एक रिलेशनशिप बनानी है साम और प्रिंसिपल के बीच में तो मैं कैसे बना सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट के केस में मुझे यहां तक पहुंचना है इसमें इंटरेस्ट कितने साल का है दो साल का हर साल इंटरेस्ट क्या है सेम हर साल इंटरेस्ट सेम है ये इंटरेस्ट कैसे निकला है इन को करके? ये, P है और ये R है. तो आर इंटू आर इंटू पी तो आर को मैं पी से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा अब जितने भी साल होंगे हर साल इंटरेस्ट सेम है तो नंबर ऑफ इयर्स इसको क्या कर दू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स यहां पर कितने है अभी दो तो उसको टू से और नंबर ऑफ इयर्स को मैं काउंट करता हूं एन एन से डिनोट करता हूं लेट्स से सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट इन द फॉर्म इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी अगर मुझे इंटरेस्ट मालूम करना है टोटल ड्यूरेशन का इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो वो ये फार्मूला बन जाएगा i n into r into p तो अगर मैं n r p करता हूं 2 0.1 टू प्रिंसिपल टेन थाउजेंड तो वही टू थाउजेंड आ जाएगा और अगर मैं प्रिंसिपल में यानी पी में इंटरेस्ट क्या कर एड तो सम आ जाएगा सो so, अगर मुझे सम मालूम करना है एस तो मुझे क्या करना होगा पी में एनआरपी क्या करना होगा एड करना होगा एनआरपी इज इंटरेस्ट विच इज टू थाउजेंड पी इज द प्रिंसिपल विच इजन थाउजेंड एंड टेन प्लस टू थाउजेंड हो जाएगा और अगर मैं इसको कॉमन ले लू पी को तो पी इज इक्वल टू पी इंटून एन आर सो जब कभी सिंपल इंटरेस्ट होगा तो दिस विल बी द फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सॉरी प्रिंसिपल सम कैलकुलेट करने का पूरे दो साल का और यहां से हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सम है फ्यूचर वैल्यूज को हम कहते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड द रिटर्न इंटरेस्ट उन दोनों का सम होता है तो दिस इज द रिलेशनशिप इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ठीक है आगे पीछे भी है। ये हमारे स्टूडेंट्स के ही कारनामे हैं। वो कीबोर्ड से की निकालते हैं एक इधर लगा देते हैं एक उधर लगा देते हैं, उधर लगा देते हैं इससे उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने ही लिए ही चीज को खराब करते हैं अच्छा अब अगर सेम इज द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सेम इज द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो व्हाट विल हैपन व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस सेम आप देखेंगे जरा अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो लेट्स जीरो में हम एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं टेन थाउजेंड ठीक है और इसके ऊपर हमें आर लट से वही टेन परसेंट है बट इस दफा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इन वन ईयर टाइम हमें ये दस हजार मिलेगा और इस दस हजार का इस दस हजार का टेन परसेंट मिलेगा तो अगर मैं कहूं सम ऑफ इयर वन विल बी टेन थाउजेंड ठीक है इन टू टेन परसेंट एक हजार और फिर उसमें दस हजार क्या कर देंगे एड कर देंगे तो मैं ये भी कर सकता हूं वन प्लस टेन परसेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टेन थाउजेंड भी आ जाएगा उसका टेन परसेंट भी ऐड हो जाएगा कितना हो so मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट ग्यारह हजार आ जाएगा और सिर्फ टेन परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ वन थाउजेंड आएगा उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं ईयर टू पे आता हूं आप मुझे टेन परसेंट जो मिलेगा वो दस हजार का नहीं मिलेगा इलेवन थाउजेंड का मिलेगा अब मुझे वन प्लस मल्टीप्लाई करना करना, करना। है, से 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 नहीं यानी मैं one, मैं उठाऊं और उसको मल्टीप्लाई कर दू कितना आ जाएगा? ,100. So ,100. था। एक सो। ये जो एक्स्ट्रा हंड्रेड है ये जो है एक्स्ट्रा हंड्रेड यह बेसिकली कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर का 10 जो आपने लिया है वो दस हजार का नहीं लिया ग्यारह तो बारह हजार एक सौ हो गया अब ये कैसे कैलकुलेट करें डायरेक्टली देखिएगा गौर से लेट से वी नो द प्रिंसिपल विच इज विच इज टेन थाउजेंड इफ आई मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर तो ग्यारह हजार आएगा फिर मैं दोबारा तो मल्टीप्लाई करूं वन प्लस आर से तो बारह हजार एक सौ आ जाएगा इन दो दफा वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दू तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा मैं ये p इंटू वन प्लस आर इंटू वन प्लस आर और अगर मैं ये दो दफा मल्टीप्लाई करने की वजह इसकी पावर ही ले लू टू तो भी आंसर आ जाएगा देख लें तो ये जो फॉर्मूला है जरा इसको देखते जाए क्या मैं एफ की जगह पी लिख सकता हूं F16 क्या है 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 तो प्रिंसिपल पी लिख, लिख दिया अच्छा स्टेरिक लगाऊ ना लगाऊ एक्सेल में तो जरूरत है लेकिन वैसे दिखाने के लिए ब्रैकेट भी काफी है अच्छा एफ सेवनटीन क्या है रेट तो एफ सेवनटीन की जगह क्या लिख सकता हूं आर और पावर जो है इधर टू है जरूरी नहीं हर दफा टू हो yes. एन हो जाएगा और ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा एस का सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट दिस इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू पी इन टू वन प्लस आर रेस्ट दो वेन एवर इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बिकम एस इज टू पी इंटू वन प्लस आर रेस्ट टू दावर एन सही है पावर कैप से एक्सल में वाइस सिखा दूंगा ये रिलेशनशिप हो गया अब एस और पी में फर्क किस बात का है एस और पी में वैसे किस चीज का फर्क है बीच के रिटर्न का जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक में है और एक में नहीं है पी में नहीं है एस में है तो आप अगर आपको पता हो कि पी कितना है और आपने बढ़ना हो किसकी तरफ किसकी तरफ एस की तरफ इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग से कंपाउंडिंग फ्रॉम पी टू एस पी जो है उसको हम प्यार से प्रेजेंट क्या बोल सकते हैं वैल्यू क्यों बोलते हैं फिर अभी हम बात करेंगे इसमें और एस को हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं या सम बोल ठीक है क्या एस से पी की तरफ भी आ सकते हैं रिवर्स भी कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते हैं? कर सकते सो so, अगर आपको एस पता हो और आप किसकी तरफ आना चाह रहे हो पी की तरफ तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग रिवर्स करेंगे तो डिस्काउंटिंग क्या लाएगा क्योंकि कंपाउंडिंग में बढ़ रही होगी चीज डिस्काउंटिंग में कम हो रही होगी पीछे जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट लोड कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग है इंटरेस्ट ऑफ लोड कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग है तो सर फिर फॉर्मूला ये देख लेते हैं एस इज इक्वल टू पी इन टू वन प्लस आर इज टू दावर एन किसका फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का राइट अब इसको मुझे P के लिए चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड तो P विल बीज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय प्लस एन ये किसका फॉर्मूला बन गया डिस्काउंटिंग का और अगर मुझे ये इस फॉर्मेट की बजाय इस फॉर्मेट में अच्छा लग रहा है कि मैं ये डिनोमीटर भी न्यूमिनेटर में ले जाऊं सेम साइड के तो पावर की साइन चेंज करनी पड़ेगी तो पी इज इक्वल टू एस वन प्लस आर रेस्ट टू द पावर माइनस एन माइनस एन बेसिकली क्या है जरा समझिए मैं कह रहा हूं एस मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर लेकिन पावर क्या कर दी माइनस एन तो जब मैं कैलकुलेटर पे इसको करूंगा ना तो कैलकुलेटर समझ जाएगा कि यूजर लिख तो मल्टीप्लाई रहा है बट चाहता डिवाइडर मैं मैं क्या लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं एस को मल्टीप्लाई करो किस से वन प्लस माइनस एन से जैसे ही मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा और लेकिन पावर माइनस में लिखूंगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा वो करेगा डिवाइड बट मेरे लिए एक फॉर्मेट आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला मुझे लगेगा यार मैंने ये वाला फॉर्मला और ये वाला फॉर्मुला सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ तो वो कैलकुलेटर को समझाने के लिए बेसिकली माइनस का साइन हम डालते हैं तो ये होगा डिवाइड ही इट विल बी डिवाइडेड एस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस इन टू वन प्लस एन ये दोनों डिस्काउंटिंग के फॉर्मूलाज ठीक है समझ में आती है बात ओके okay. मुझे ये बताएं इसमें मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? दो साल के बाद मुझे इधर कितने पैसे मिल रहे हैं दो साल के बाद ट्वेल्व थाउजेंड 100. अब मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ रोक लें अब मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट देंगे तो फिर पछताएंगे इसलिए सुन लें मैं सवाल पूछूंगा आपने मुझे जवाब देना आपको किसी ने बोला है भाई हम आपको बारह हजार एक सौ देने वाले हैं दो साल के बाद कितने देने वाले बारह हजार एक सौ देने वाले हैं कितना तो ये आपके लिए कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा ओके okay, मैं लिख देता हूं इट्स अ कैश इनफ्लो आपने कहा बड़ा नेक आदमी है जो दो साल के बाद बारह हजार एक सौ दे रहे हैं आपने कह रहा बहुत अच्छे आदमी हो बहुत नेक आदमी हो आप मुझे बारह हजार एक सौ दे दो तो बोला हाँ लेकिन नेक नहीं हूं फ्री में नहीं दे रहा आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज पैसे देने पड़ेंगे सही है फिर जाके मैं आपको कितने दूंगा दो साल के बाद बारह हजार एक सौ अच्छा अब आप आज कितने इन्वेस्ट करने हैं ये कैलकुलेशन आपने अपने साथ करनी है अब ये आप अपने साथ कर रहे हो उसको नहीं दिखा रहे हो आपको रिटर्न चाहिए हर साल दस परसेंट कितना यू वॉन्ट अ रिटर्न ऑफ टेन परसेंट यानी आप चाहते हो कि आज मैं इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि मैं उसमें जब दो साल का दस परसेंट कंपाउंड करूं तो वो कितनी बन रही हो बारह हजार एक सौ और ये मालूम करना चाहते हैं वो अमाउंट क्या होगी जिसमें हर साल दस परसेंट एड किया जाए तो बारह हजार एक सौ बन रहा हूं तो वो मैं जब दूंगा तो मैं कहूंगा मैंने कितना परसेंट कमाया दस परसेंट जैसे वो मुझे दो साल के बाद बारह देगा तो मैं कहूंगा मैंने दस रिटर्न कमाया ऐसा ही है ना तो वो अमाउंट क्या होनी चाहिए वो अमाउंट आज जो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे दस परसेंट रिटर्न कमाने के लिए वो कितनी होगी कितनी होगी जोर से टेन थाउजेंड अभी खेल तो क्या क्योंकि दस हजार वो अमाउंट है जिसको दस दस परसेंट एड करोगे तो बारह हजार एक सौ बनेंगे लेकिन मुझे नहीं पता सो थोड़ी देर के लिए सोचो तो मुझे निकालनी पड़ेगी किसके फॉर्मले से डिस्काउंटिंग के फॉर्मले से तो मैं इसकी क्या करूंगा डिस्काउंटिंग करूंगा ये देखने के लिए कि जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है वो कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए और उससे मुझे डिस्काउंटिंग के प्रोसेस से मुझे क्या पता चलेगी प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की बारह हजार एक सौ की बारह हजार एक सौ क्या था उसका नाम रखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले कैश तो क्या मैं इसको प्यार से प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश बोल सकता हूं जो मैं वैल्यू निकालूंगा या नहीं इसको मैंने क्या बोला है कैश इनफ्लो और अब जो मैं निकालने जा रहा हूं वो इसी की क्या निकालने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मेरी क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं ओके okay. डिस्काउंटिंग के फॉर्मुले से डिस्काउंटिंग का फॉर्मुला क्या है एस इंटू वन प्लस आर एस टू पावर माइनस एन सो एस क्या है बारह हजार एक सौ रेट क्या है और कितने साल बाद ये मिल रहा है दो साल आंसर क्या आएगा दस हजार सो आप इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे मैक्सिमम दस हजार अगर आपको कितना रिटर्न चाहिए रिटर्न टेन परसेंट जोर से टेन परसेंट सही अब सुनना आज के बाद से कॉन्सेप्ट अब आपको मैंने बता दिया अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इंफ्लोस को एक्सप्लेन करो तो आप बोलोगे इट इज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टू गेट रिक्वायर्ड रिटर्न जो परसेंटेज आपने फॉर्मूले में पुट की है उतना रिटर्न कमाने के लिए जितना मैक्सिमम आज इन्वेस्ट जितना मैक्सिमम आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कहते हैं ये इसलिए निकालते हैं मैं आपको कोई भी अमाउंट फ्यूचर की बता दूं कि भाई मैं आपको इतना पे करने वाला हूं बताओ आज कितना इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको फॉर्मले में पुट करके अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न जो है वो पुट करोगे और देखोगे कि इतना कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो फिर आप वो रिटर्न नहीं कमा सकोगे दस से एक रुपया भी आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका रिक्वायर्ड रिटर्न टेन नहीं रहेगा उससे कैसे ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा अरे यार

आपने सोचा भाई यार ये गाड़ी मैं खरीदता हूँ करीम में चलाता हूँ करीम से मुझे इतना इनकम मिलेगी गाड़ी महंगी खरीदोगे अगर तो रिटर्न बढ़ जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि करीम से में चलाने से जितने मिलने होते तो उतने ही मिलने ना आपने गाड़ी महंगी खरीद दी है तो जितना इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा आएगी रिटर्न उतना कम यानी आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया अगर प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले में तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो इसलिए आप नहीं चाहोगे कि इन्वेस्ट करो ज्यादा आप कितना इन्वेस्ट करोगे कब दस परसेंट चाहिए लेकिन अगर आपने दस एक रुपया भी ज्यादा इन्वेस्ट किया तो इन टेन परसेंट के हिसाब से तो जो भी आप इस फॉर्मुले में रेट पुट करोगे समझो वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और जो भी आंसर आएगा वो आपको बताएगा इस अमाउंट के लिए इस अमाउंट के लिए इतना इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको इतना परसेंट मिलेगा इस अमाउंट के लिए आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये रिटर्न मिलेगा ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके ही यही दे रहा है कि अगर ये रिटर्न चाहते हो इतने सम के अंदर से तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इससे ज्यादा नहीं सो so, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं यार मैं आपको पच्चीस हजार डॉलर दे रहा हूं कितने साल के बाद लचसे थ्री थ्री के बाद कितने साल तीन साल के बाद मैं आपको लमसम दूंगा पच्चीस बीच में कुछ नहीं दूंगा तीन साल के बाद दूंगा पच्चीस हजार और आज आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कितना इन्वेस्ट करोगे इसके लिए आप मुझसे क्या पूछोगे रेट सिंपल कि सर ये बताएं रेट ऑफ रेट रिटर्न कितना है रिक्वायर्ड रिटर्न मैंने कहा लेट्स से एट परसेंट है हम चाहते आप चाहते आपको आठ परसेंट हर साल कमाना है तो बताओ आठ कमाने के लिए आज मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करोगे तो क्या निकालना पड़ेगा पी करें पी विल बी 19,000 approximately yes. not more than this or more than this now if 8% is the required return the, the, the investment should not be higher than this you should not be investing more than this you should not be investing more than this because if you do so you won't be getting 8% your return will squeeze your return will be

जिसको फॉर्मुले में पुट करके मैंने ये वैल्यू निकाली उस रिटर्न को कमाने के लिए इतना इन्वेस्ट करना चाहिए इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दैट्स व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट अब मैं कोई अमाउंट ले दूं फ्यूचर की आप फॉर्मले में पुट करके आपको पता चल जाएगा ये रिटर्न कमाने के लिए इतना इन्वेस्ट करना है। ये रिटर्न कर... इससे ज्यादा नहीं सही है समझ आई बात अब मुझे आप बताओ इसी सवाल में बताओ ये पैसे कौन दे रहा था मैं आपने कितना इन्वेस्ट करना है यह फैसला आपने किया अपने दिमाग में कितना क्या माइंड बनाया हुआ है कि इससे ज्यादा देना ही नहीं देने नहीं देने मैक्सिमम कितने देने सही है अब आप मुझसे पूछोगे अच्छा ठीक है पच्चीस हजार तो दे रहे हो मांग कितने दे ये तो पूछोगे ना मुझसे ये तो अब आपने अपनी कैलकुलेशन की है ये तो आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो अब मुझसे भी तो पूछोगे पैसे तो मैंने देने हैं आपको आपने मुझसे सवाल किया सर मुझे आज देने कितने पड़ेंगे अब आप अपना माइंड बना चुके हो है ना मैंने कहा यार सोलह हजार दे दो तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे एक्सेप्ट खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे खुशी, खुशी दिखाओगे नहीं चेहरे से नहीं पता चलेगा आपके बट अंदर कैलकुलेशन करके बैठे हुए थे 19 ,000, 19 ,000, भी देने पड़े तो दे देंगे क्योंकि कमा रहे होंगे और वही कमाना चाहते हैं लेकिन अगर मैं सोलह हजार तो मन में लड्डू फूटेंगे और अब आपको आठ परसेंट से ज्यादा रिटर्न दिख रहा है राइट इसलिए आप क्या करोगे एक्सेप्ट तो आप एक कैलकुलेशन करोगे अपने दिमाग में अच्छा मेरे हिसाब से तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है ए और सामने कितना मांगा जा रहा है कितना मांगा जा रहा है सोलह हजार तो इसका मतलब एक उन्नीस हजार आठ सौ पैंतालीस इतने में कोई गाड़ी मिलेगी, जो के उसकी उतनी है, और मिलेगी इतनी में तो आपको बेनिफिट हो रहा है कितने का थ्री एट फोर फाइव मेरी वाली फोर फाइव ठीक है, है? अब सुनना से. इसका नाम क्या रखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अच्छा मैं आपसे मांग जो रहा हूं वो आपके लिए कैश इनफ्लो है कैश आउटफ्लो है ये आउटफ्लो है और कब मांग रहा हूं आज ये तीन साल के बाद आज तो आज की वैल्यू को क्या कहेंगे प्रेजेंट 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 वैल्यू 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 लेकिन ये इनफ्लो की की नहीं है की है है आउटफ्लो आउटफ्लो तो इसको मैं कहूंगा ऑफ कैश ना और क्या जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस है तो क्या मैं इसको प्यार से दो प्रेजेंट वैल्यू की नेट फिगर कह सकता हूं और मैं शॉर्ट करके इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल दूं दो प्रेजेंट वैल्यू की नेट फिगर रही है थ्री एट फोर फाइव नेट है ना नेट ऑफ टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ये क्या कहलाएगा एनपीवी और एनपीवी जो है इस वक्त क्या आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव देख के थोड़ी ना फैसला किया था हमने तो कॉन्सेप्ट देख के फैसला किया था कि भाई मुझे लगता था नाइन थाउजेंड एट फोर्टी फाइव इन्वेस्ट करने चाहिए अगला मुझसे कितने मांग रहा था सोलह हजार जो कि कम थे कम थे पॉजिटिव आ गया था तभी मैं एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन याद रखने के लिए कि एनपीवी क्या होती है तो हम क्या करते हैं यस बट ये रट्टा लगाने का क्या जरूरत है है यार कॉन्सेप्चुअल बात पॉजिटिव अभी नेगेटिव आ जाए कि अगर मैं सोलह पहले लिखूंगा थाउजेंडोर्टी फाइव बाद में लिखूंगा तो डिसीजन थोड़ी दिन चेंज हो जाएगा भाई देखो आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो नाइनटीन थाउजेंड एट फोर्टी फाइव में कितने मांग रहा हूं तो फैसला हो गया क्या किस चीज का यस और नो यस लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं सोलह पहले लिख लू और नाइनटीन थाउजेंड एट फोर्टी फाइव बाद में लिख दू तो आंसर क्या आ जाएगा तो तो रट्टे लगाने वाला बोलेगा रिजेक्टेड क्योंकि रट्टा उसने क्या लगाया था जब पॉजिटिव आए आए एक्सेप्ट नेगेटिव तो रिजेक्ट यही सीखा हुआ था समझ में आ रही है बात तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है रट्टे नहीं है यार जब आपने माइंड बनाया हुआ है 19,845 तक इन्वेस्टमेंट हो गई तो कोई मसला नहीं अगला कह रहा है सोलह हजार दो तो वाई वुड आई रिजेक्ट ये तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक मैथमेटिकल साइन है किससे किसको माइनस कर रहे हो समझ में हम पहले हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखते हैं और उसके बाद उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या करते हैं माइनस करते हैं तो जब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा और एक्सेप्ट भी करना चाहिए ये है बेसिकली सो so दिस इज एनपीवी तो जब जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या आ जाए पॉजिटिव तो हम इसलिए एक्सेप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि पॉजिटिव आना इस बात को शो करता है कि जितना हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अगला उससे कम मांग रहा है जो एक रिक्वायर्ड रिटर्न के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगला उससे कम मांग रहा है। तो वाई वुड वी इन्वेस्ट कर देना चाहिए हमने तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया है जो एक रिटर्न कमाने के लिए हमें चाहिए हमने तो मैक्सिमम लिमिट निकाल लिया उससे नीचे नीचे है तो एक्सेप्ट उससे ऊपर है तो To accept, उस कैश के लिए कितना इन्वेस्ट करना ये निकालना है और फिर कंपैरिजन करेंगे वो मांग कितना रहा है? तो पहला स्टेप होगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालना ये देखना कि कितना इन्वेस्ट करना

So let's come to the example one. A company is expecting to invest in a two years project, at the end of which it will receive a total of one one two three six. If the company wants to earn a return of exactly six percent per year, what amount should it invest? You know examples, eh? Or dono solve. Go ahead and solve both of the examples. You to so, बट आपके पास फाइल में मौजूद है ना जी डन सो so, पहले स्टेप में दोनों सेम एग्जाम्पल है जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल पहले में हमने सिर्फ ये मालूम किया कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सो so, सम कितना है वन वन टू थ्री सिक्स और आर सिक्स परसेंट एंड टू इयर्स सो पी निकालना है सो दिस इनटू i think size sort of a 1 plus 6% raised to the power minus 2 10000 so the maximum value of investment should be 10000 if we want a return of 6% bar repeat so that we know what exactly what we have calculated so 10000 now that done pehla part दूसरे में कहता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है जो कि कितनी मांगी जा रही है नाइन थाउजेंड तो वो कितने सेव करेगा एनपीवी वर्ड्स तो एनपीवी मांग रहा है सो so, फिर से सेम एस आर एन नो चेंज पी ये सब तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं राइट so, right? और हमें देखना रिक्वायर्ड अच्छा, कितना है नाइन थाउजेंड We are ready to invest ten thousand. Nine thousand One thousand. And this is called NPV. The one thousand difference is called NPV. So we will save one thousand dollars if we invest in this project. Clear? Go to example two and three and solve them. आपके पास फाइल डाउनलोड डे नहीं so what's the sum? sum is r 10% n 4 so 30000 into 1 plus r raised to the power minus 20490 so 20490 is the maximum if we want to invest in order to earn a 10% return, required investment 20,000 and in no difference is NPV 490. Clear? Same way, sum 40,000 are 8% five. 27223 it required investment 28000 the difference 777 negative reject so yeah mpb ka concept clear hua.

बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी यही है कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये देखते हैं कैश फ्लो की कि हमें कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें वो रिटर्न मिलेगा जिससे हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली जैसे अभी देखो एग्जाम्पल फोर्थ थोड़ा सा चेंज हो गया अब हर साल कुछ ना कुछ मिल रहा है पहले हम ये देख हम कह रहे थे एक लमसम अमाउंट मिल रही है चार साल के बाद पांच साल के बाद अब हम कह रहे नहीं एवरी ईयर वी आर गेटिंग समथिंग छोटा सा सिचुएशन थोड़ी सी आगे और एवरी ईयर यू आर गेटिंग टू गेट समथिंग इट्स नॉट अमाउंट जो कि तीन साल के बाद मिलेगी अब इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बट हमें फैसला करना है इन्वेस्टमेंट करें या ना करें उसके लिए हमें इन कैश फ्लोज की क्या निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू लेकिन इनकी टाइमिंग डिफरेंट है तो सबकी इकट्ठे नहीं निकल सकती है सबकी अलग अलग कैलकुलेट होगी यानी पहले हम ये देखेंगे इस सात हजार के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक साल के बाद मिल रहा है फिर हम देखेंगे इस दस हजार के लिए टेन थाउजेंड के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जो दो साल के बाद मिल रहे हैं और इस फोर्टीन थाउजेंड के लिए सो एवरी कैश इनफ्लो विल बी डेल्ट विद सेपरेटली हम सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे सो so, पहले हम दस हजार सात हजार की बात करते हैं हमें देखना ये सात हजार जो है इसके लिए हमें आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सो थाउजेंड ठीक है सेवन थाउजेंड सो सेवन थाउजेंड के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये देखना है हमें तो क्या करूंगा सेवन थाउजेंड इन टू वन प्लस वट रेट कितना है नाइन परसेंट और ये अमाउंट कब मिल रही है एक साल बाद तो एक साल के हिसाब से माइनस वन तो सेवन थाउजेंड के लिए जो एक साल के बाद मिल रहे हैं आज मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहूंगा 6, 4, 2, 2। क्योंकि अगर आप नौ परसेंट एड करो तो सात हजार बनेंगे तो मैं सिक्स फोर टू टू आपको दूंगा आप एक साल के बाद सात हजार दोगे तो मैं कहूंगा मैंने नाइन परसेंट एक्स्ट्रा कमाया बट ये सिक्स फोर टू टू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जो ईयर के मिलने वाले हैं सिर्फ उसके लिए पूरे प्रोजेक्ट के पैसे नहीं है ये आप सेकेंड ईयर के लिए आएंगे सेम तरीके से सेकेंड ईयर में कितने मिल रहे हैं टेन थाउजेंड और चूंकि ये दो साल के बाद मिल रहे हैं तो इसको दो साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे एट फोर वन सेवन एट फोर वन सेवन और फिर तीसरे साल में कितने मिल रहे फोर्टीन थाउजेंड अब इन सबको मिलाकर कितना हमें इन्वेस्ट करना है वो देखना है कितना ट्वेंटी so मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं अगर मुझे कितना रिटर्न चाहिए नाइन परसेंट रिटर्न चाहिए तो बदले हर साल मुझे 7, 10, 14 मिलेंगे. तो इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है 25,000 अब इसमें से इसको क्या करूं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी एनपीवी आएगी पॉजिटिव सो वी विल गो फॉर इट ठीक है समझ में आया स्प्रेडशीट के अंदर एक पता क्या आसानी है इधर देखें मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूं में एक आसानी क्या है इज इक्वल टू दिखने गौर से इज इक्वल टू क्या सेवन थाउजेंड इन टू वन प्लस क्या नाइन परसेंट द पावर माइनस वन लिखने की जगह यहाँ वन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो पता है क्या करेगा जे है ना जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो उसको खुद ब खुद जे कर देगा और I5 है ना उसको खुद ब खुद आई सिक्स कर देगा तो सात हजार को दस हजार मेरी रिप्ले, रिप्लेस कर देगा और वन को टू से और फिर थ्री से सो खुद ब खुद कर देगा तो मुझे बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है मैं पावर के साथ यहां पर लिंक कर देता हूँ और ये आगे भी मुझे काम आएगा बहुत और मैं इसको ड्रैग करके राइट सो एक ही दफा फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो सब पे वो फॉर्मुला अप्लाई करके चेंजेस भी खुद ब खुद कर देगा पावर भी चेंज कर देगा और कैश फ्लोज भी चेंज कर देगा हर साल नहीं अभी आएंगे अभी तो F2 का MA2 का लेवल भी पूरा नहीं हुआ है अभी F9 के लेवल पे तो हमें आना है अभी तो मैं आपको वो लेवल पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ जो आपने MA2 और F2 में पढ़े हैं बट ज्यादातर वहां पर आपने फॉर्मूला अप्रोच पढ़ा होगा कि बस ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई ये इसमें से माइनस करो ये एनपीवी आ गई अब हम उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड कर रहे हैं एफ नाइन के वजह कि वट इज एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू वट इज एनपीवी यार वी पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्ट होती है क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो समझ आ गया अब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होता चला जाएगा अच्छा अब सब एक अब एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे उसका जवाब दीजिएगा सब लोग ये प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की है कौन से कैश की है सात हजार की है ऐसा ही है, it's, it's 7, 000, है? तो अगर मैं कहूं सेवन थाउजेंड नहीं होता इसकी जगह वन डॉलर होता तो भी कितना इन्वेस्ट करते अगर एक साल के बाद सात हजार की बजाय कितना मिलता

अगर हाँ इंटरेस्ट रेट सेम है अगर एक साल के बाद वन डॉलर मिलता तो आज हम एक डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट करते उसके लिए एक डॉलर करते या एक से कम करते एक से कम करते तो वो क्या अमाउंट होती वो कितनी यानी आपने क्या किया इसी फॉर्मुले को इस्तेमाल करके इस J5 की जगह क्या लिखा होगा वन और वन लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता तो बेसिकली आपने वन प्लस माइनस वन किया होगा क्योंकि वन बार लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता So, यानी आपने क्या किया है वन प्लस क्या नाइन परसेंट रेस्ट टू द पावर माइनस वन ये किया कितना जीरो पॉइंट नाइन वन सेवन यही क्या है yes, एक डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं अगर वन डॉलर मिल रहा होता एक साल के बाद और आपको ये देखना होता आज कितना इन्वेस्ट करूं नाइन परसेंट कमाने के लिए तो आप पॉइंट नाइन इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर नाइन परसेंट एड करोगे तो वन डॉलर बनेगा अगर आप पॉइंट में उसका नाइन परसेंट क्या कर दो ऐड, तो वो कितना बनेगा वन इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन डॉलर दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन डॉलर पीवी ऑफ डॉलर वन ये कॉलम सर इसका फायदा है क्या है इसका फायदा ये है कि अगर मुझे ये वन डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो पता हो है ना एक के लिए इतना करूंगा तो सात हजार के लिए कितना करूंगा मल्टीप्लाई कर दो सेम आंसर आएगा 642. अगर मुझे पता है दोन के लिए मुझे इतना इन्वेस्ट करना है तो सात हजार के लिए कितना करना पड़ेगा दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई इसी तरह पॉइंट सेकेंड ईयर वाले के लिए पॉइंट एट फोर टू थर्ड ईयर के लिए पॉइंट सेवन सेवन टू ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए अब मुझे क्या करना है सीधा सीधा कैश लो उठाना है और डिस्काउंट फैक्टर से क्या करना है मल्टीप्लाई समझो ये एक यूनिट की कॉस्ट है सात हजार की निकालने के लिए क्या करूं मल्टीप्लाई जैसे प्राइस गिवन हो गिवन हो हो एक यूनिट की और यूनिट्स तो क्या करते, है? करते हैं मल्टीप्लाई करते वही कर रहे हैं सेम आंसर आएगा सो डिस्काउंट फैक्टर अगर पता हो मुझे सिर्फ कैश फ्लो को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन आप करें और सेकंड क्वेश्चन डिस्काउंट फैक्टर की मदद से करें पहले डिस्काउंट फैक्टर्स निकालें और फिर मल्टीप्लाई करके निकालें हर साल का डिस्काउंट फैक्टर निकालें एंड देन मल्टीप्लाई द कैश फ्लोस फाइंड आउट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यूज अब आज के बाद से हम डिस्काउंट फैक्टर पहले निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे

वन प्लस टेन परसेंट रेस्ट टू द पॉर माइनस वन फिर उसको बाद नीचे सब कॉपी किया फॉर्मला मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ गई थर्टी नाइन थाउजेंड टू सेवनटीन अब थर्टी सिक्स थाउजेंड रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है और थ्री टू सेवन नाइन जो है वो एंट्री किया ठीक है That's it for today. Achha, I I will give you people access to Google Classroom. Okay? मैं आपको गूगल क्लासरूम का एक्सेस दूंगा ठीक है और गूगल क्लासरूम का एक्सेस जो है वो क्या होगा जब आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड ऑल राइट सो इसमें आप क्लास वर्क पे क्लिक करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास नीचे सारे टॉपिक्स आते जाएंगे अभी तो ये सारे दिख रहे हैं आपको सारे नहीं दिखेंगे आपको वन बाय वन दिखते चले जाएंगे मैं यहाँ पर रिलीज करता जाऊंगा फॉर एक्जाम्पल अभी शुरू में अगर आपको एक्सेस में दूंगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर दिखेगा ठीक है उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर दिखेगा बेसिक्स ऑफ एनपीवी दिखेगी आयर आर ये सारे लेक्चर्स में बारी बारी रिलीज करता जाऊंगा प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको इसमें देता रहूंगा वीडियो लेक्चर्स भी इसके अंदर आपके पास आते चले जाएंगे जो जो टॉपिक कवर होता जाएगा और इसके अंदर जो है वो हैंड आउट्स वगैरह थ्योरी के हैंड आउट्स वगैरह भी मैं इस पर अपलोड करता जाऊंगा और आपके पास आते जाएंगे तो एंड में होगा ये कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी दस दिन बारह दिन जो होंगे इसमें आपके पास ये पूरा कोर्स पड़ा हुआ होगा मिलेगा, सीक्वेंस में. तो जो जो आपको जिस तरह पढ़ना होगा प्रैक्टिस मटीरियल की सारी विडियोज तक आपके पास पड़ी होंगी ये मैं दिखा देता हूँ ये देखें ये सारे क्वेश्चन है पास पेपर के क्वेश्चन है सारे एडवांस एंड पी वी प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय ये सारे क्वेश्चन है तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस आपको कैप्लान की किट में आपके पास हैं वो तकरीबन सारे सीआरक्यू वाले तो खास तौर पे सारे मौजूद है ठीक है थीके? तो जो जो क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे उसको चेक करने के लिए अपनी गलतियां निकाल सकेंगे सो so, पूरा सिलेबस पड़ा हुआ यहाँ पर ठीक है पहले से ही मेरे पास तो पहले से ही मैं रिलीज आपको फिर फर करूंगा ठीक है और इसी के ऊपर मैं आपको इनशाला भी क्विजेस भी हैं सो क्विजेस भी बारी बारी रिलीज करूंगा जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुकम्मल होगा तो मैं ये क्विज रिलीज कर दूंगा तो आप ये क्विज भी दे सकेंगे इन्वेस्टमेंट okay. अप्रेजल टाइम लगेगा अभी शुरुआत है ये बड़ा है। ठीक है सो so, मैं ऑनलाइन वाले क्लास एंड कर रहा हूँ कोई सवाल है तो पूछ हैं अदरवाइज मैं क्लास एंड कर रहा हूँ ओके ठीक है मैं ऑफ कर रहा हूँ क्लास अल्लाह हाफिज तीन ही दो तीन स्लाइड्स हैं मैं वो भी शेयर कर दूंगा मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर जब आपका ग्रुप बन जाएगा चले ओके okay, अल्लाह हाफिज